रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। समीक्षा जो दिखने में बहुत बदसूरत थी, समीक्षा को सभी लोग बदसूरत होने का ताना भी देते रहते थे। समीक्षा को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसे कहीं न कहीं इस बात का पता था, इसीलिए वो बस लोगों की बातें सुनकर रह जाती थी। ऐसे ही एक दिन समीक्षा अपनी सास शारदा के पास जाती है और अपनी सास से समीक्षा कहती है, माँ जी आज मेरी सहेली की शादी है, चलिए आपको बताया था ना हमें वहाँ जाना है। बहू मुझे नहीं जाना कहीं भी, मैं तो घर पर ही ठीक हूँ, तुझे जाना है तो चली जा। माँ जी उस दिन जब मेरी सहेली आई थी तब तो आप मान गई थी शादी में जाने के लिए, लेकिन अब क्यों मना कर रही हो, चल लीजिए ना, उसे भी अच्छा लगेगा अगर हम दोनों साथ में जाएंगे तो। बहू मुझे शादी में जाने से कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मैं तेरे साथ कहीं जाना नहीं चाहती हूँ। माँ जी क्यों, आप मेरे साथ कहीं भी क्यों नहीं जाना पसंद करती, क्या परेशानी है? बहू तूने खुद की शक्ल देखी है, जो देखता है वो बस तेरी बुराई ही करता रहता है, और मैं तो तेरी सास हूँ, मुझे भी ये सब सुनना पड़ता है कि मैं अपनी कैसी बहू लेकर आई हूँ, इसलिए तो मैं तेरे साथ कहीं आना जाना पसंद नहीं करती हूँ। माँ जी लेकिन आपने अपनी खुशी से ही तो मुझे अपनी बहू बनाया था ना, अगर मैं आपको इतनी ही ना पसंद थी तो आप अपने बेटे की मुझसे शादी ही नहीं करवाती ना, लेकिन अब मुंह बनाने से क्या होगा। बहू जब तुझे शादी के लिए दिखाया गया था तब तो तू ठीक ठाक ही लग रही थी, और ऊपर से मेकअप भी किया था तूने, लेकिन अब जब बिना मेकअप के तुझे देखती हूँ तो मुझे अपनी गलती समझ में आती है। माँ जी आप अपनी बहू को उसके स्वभाव से नहीं बल्कि उसकी सूरत से पसंद नापसंद करती हो। अरे बहू ये सब कहने की बात होती है, लेकिन सच तो यही है कि सब पहले सूरत देखते हैं, और तेरी सूरत तो सच में राम 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 देखने लायक नहीं है, इसलिए मेरे सोचने ना सोचने का कोई फायदा ही नहीं है ना बहू। अपनी सास की बातें सुनकर समीक्षा को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। समीक्षा अपनी सहेली की शादी में अकेले ही जाती है और वहाँ पर अपनी सहेली से मिलती है। रात को घर आते समय काफी ज्यादा देर हो जाती है और रास्ता भी सुनसान सा था। समीक्षा को अकेले आने में काफी ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक आवाज आती है और वो आवाज समीक्षा के कानों में पड़ती है। समीक्षा और डर जाती है, फिर समीक्षा भी जल्दी जल्दी घर जाने लगती है। कुछ दूर चलते हुए समीक्षा के पैरों के नीचे एक आईना आता है। समीक्षा उसे उठाती है और उसमें देखती है। अंधेरे में भी समीक्षा को आईने में अपनी शक्ल दिख रही थी, वो बहुत सुंदर थी। ये देखकर वो बोलती है, मैं कितनी सुंदर हो गई, आज तक सब मुझे बदसूरत बुरी शक्ल वाली औरत बोलते थे, लेकिन इस आईने ने तो मेरी दुनिया ही पलट दी। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं इस आईने को अपने साथ घर लेकर जाऊंगी। मेरी खूबसूरती को अब तक कोई नहीं देख पाया, लेकिन इस आईने ने मुझे समझा और परखा भी है। समीक्षा अब अपने साथ उस आईने को लेकर घर आती है। समीक्षा को ये पता नहीं होता कि वो जादुई आईना है। जब से समीक्षा उस आईने को लेकर गई थी तब से समीक्षा बस खुद को ही आईने में देखा करती और खुश होती रहती कि वो कितनी सुंदर है। ऐसे ही एक दिन समीक्षा की पड़ोसन रेखा उसके घर आती है। समीक्षा अपनी सास और रेखा के लिए चाय बना कर लाती है। दोनों चाय पी रहे थे और रेखा कहती है, अरे समीक्षा बहू तू अपने चेहरे के लिए कुछ करती क्यों नहीं है, जब तक तू ऐसे ही बदसूरत रहेगी ना तेरा पति तेरे पास आने से भी ऐसे ही कतराता रहेगा। अरे कोई क्रीम पाउडर लगा के थोड़ी सुंदर हो जाना, सही रहेगा तेरे लिए ही। मैं तो इसे बोल बोल कर थक गई हूँ, अब कभी कभी तो खुद पर ही गुस्सा आता है कि मैंने अपने सोने जैसे बेटे के लिए कोयले जैसी बहू लेकर आ गई हूँ मैं। वो बेचारा कुछ बोलता भी नहीं, लेकिन मैं तो सब समझती हूँ ना उसका हाल, आखिर माँ जो हूँ उसकी। अरे बस समझने से कुछ नहीं होने वाला है, अपनी बहू को भी समझाना, अपने परिवार को बढ़ाना है कि नहीं। आंटी जी अब आप मुझे बताओगी कि मैं सुंदर नहीं बल्कि बदसूरत हूँ, आपने कभी खुद को आईने में देखा है? आपको कोई इंसान देख ले तो उसे रात में बुरे बुरे सपने आने लगे, बेचारा डरा डरा घूमने लगे हमेशा,
बहू तू खुद तो बदसूरत है, तो इसका मतलब ये नहीं हर कोई तेरी तरह ही हो। पूरे मोहल्ले में मेरी उम्र की सभी औरतों में अब भी मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ, और ये मैं नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला कहता है, ये सच है। रेखा की बात से तो मैं भी हामी भरती हूँ, ये अब भी इतनी सुंदर है और तू रेखा को बदसूरत बता रही है। माँ जी, आप और आपकी ये सहेली दोनों ही एक भ्रम में जी रहे हैं। अभी आईना दिखा दिया मैंने तो आपका ये सारा सुंदर सा भ्रम ना चकना चूर हो जाएगा। इसलिए मुझे कुछ मत कहिए, आप लोगों से मैं बहुत ही सही हूँ। हाँ, तो हमें भी कोई डर नहीं है कि हम आईना देख लेंगे और हमारा असली रूप दिख जाएगा। अरे, रूप असली हो या नकली हो, मैं ऐसे ही हूँ। लेकिन तुझे आईना देखना ही है तो ले आ और खुद देख ले आईने में। ठीक है, अगर आप यही चाहती हो कि मैं आईना लेकर आऊँ तो ठीक है, रुकिए मैं आईना लेकर ही आती हूँ। अब सच्चाई सबके सामने खुद ब खुद ही आ जाएगी, तब पता चलेगा जो आप मुझे बोल रहे हो वो आप खुद हो। समीक्षा इतना बोलकर अंदर से आईना लेकर आती है और दोनों को दिखाती है। जादुई आईने में दोनों ही बदसूरत लगते हैं, और उनके आगे जब समीक्षा आईना देखती है तो समीक्षा बहुत खूबसूरत दिखती है। अब समीक्षा को जादुई आईने को लेकर बहुत ही घमंड होने लगा था, और कहीं ना कहीं वो खुद को सच में खूबसूरत समझने लगी थी। पहले जो समीक्षा सबकी बातें सुन लिया करती थी, अब वो उनको पलटकर जवाब देने लगी थी। ऐसा ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों के बाद समीक्षा अपने कमरे में बैठकर आईने में खुद को निहार रही थी और खुद ही अपनी तारीफें किए जा रही थी। तभी वहाँ उसकी सास आती है और कहती है, बहू वो घर का सारा राशन खत्म हो गया और त्योहार भी आने वाला है होली का, तो चल बाजार से सामान ले आते हैं, बहुत सामान होगा, दोनों जाएंगे तो आसान रहेगा। नहीं माँ जी, मेरा मन नहीं है, आप खुद ही ले आओ सामान। बहू मैं अकेले जाकर तो ले आऊं, लेकिन इतना सारा सामान होगा वो सब मैं अकेले कैसे लेकर आऊंगी। अरे तू साथ रहेगी तो थोड़ी मदद हो जाएगी मेरी। माँ जी, पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है। पहले मैं बदसूरत थी इसलिए कहीं भी चली जाती थी, लेकिन अब मैं इतनी सुंदर हूँ, बाहर जाऊंगी तो धूल मिट्टी लग जाएगी और मुझे खुद की बहुत फिक्र है। बहू ये बस एक आईना है, वरना तुझ में कोई भी बदलाव नहीं आया, समझी? ये बस एक जादुई आईना है जो हमेशा झूठ ही दिखाता है, सच नहीं। माँ जी बस करो, इस आईने में आपकी असली शक्ल दिख गई। आप कितनी बदसूरत हो ये पता चल गया तो ये एक झूठा जादुई आईना हो गया। यही अगर आप इसमें सुंदर दिखती तब तो कुछ नहीं बोलती आप। बहू मैं तब कुछ नहीं बोलती जब ये आईना सच बताता, और मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये आईना सच बोल रहा है, ये तो बस झूठ ही दिखा रहा है, और इस झूठे आईने के चक्कर में तू भी आ गई। माँ जी आपको जो भी मानना है मान लीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए ये आईना सच्चा है। दोनों सास बहू में बहस होने लगती है और ये बहस काफी बढ़ जाती है। कुछ देर बाद शारदा को अपनी बहू की हरकतों पर बहुत गुस्सा आता है और वो आईना गिराकर तोड़ देती है। तभी उस आईने में से आवाज निकलती है और वो आईना कहता है, मैंने तुम्हें सुंदर दिखाया लेकिन फिर भी तुम मुझे टूटने से नहीं बचा पाई। खुद को सुंदर समझकर तुम्हारा तो व्यवहार ही बदल गया। आईना भले ही झूठा जादुई था लेकिन इंसान के खूबसूरत और बदसूरत को अच्छे से जानता था। आईने की इतनी आवाज बंद हो जाती है और उस टूटे हुए आईने में जब समीक्षा अपना चेहरा देखती है तो वो पहले की तरह ही बदसूरत हो जाता है, और ये देखकर समीक्षा बहुत रोती है। समीक्षा को रोते देखकर शारदा कहती है, बहू आईने के झूठ के आगे तू अपना सच भी भूल गई थी, तुझे खुद पर घमंड होने लगा था और इसी घमंड के टूटने का तुझे ज्यादा दुख हो रहा है। माँ जी आप सही कह रही थी, ये सब मेरी ही गलती है। समीक्षा को अपनी गलती समझ आती है और शारदा भी कभी अपनी बहू को फिर बदसूरत नहीं बोलती। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।